उदयपुर जिले में दिन ब दिन एटीएम कार्ड अदला बदली कर धोखे से पैसे निकालने और एटीएम के साथ छेड़खानी कर हैकिंग का प्रयास करने के मामले में एक अभियुक्त को सवीना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सवीना पुलिस द्वारा टीम गठित की गई थी एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर। इसके तहत सूचना मिली सवीना पुलिस को कि सवीना चौराहे पर एक एसबीआई एटीएम पर एक संदिग्ध व्यक्ति है जो एटीएम के साथ छेड़खानी करने की प्रयास कर रहा है। इस पर चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर टीम में सवीना थाने टीम में फतेह सिंह सहायक उप निरीक्षक, सुनील बिश्नोई हेड कांस्टेबल, जितेंद्र दीक्षित कांस्टेबल व लालूराम कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। मौके से संदिग्ध व्यक्ति अजय राठौड़ पुत्र जगमाल सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड को थाने पर ले जाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अजय राठौड़ ने आज ही सुबह रुड़की से उदयपुर आना और एटीएम में पैसे लेने आने वाले लोगों को बेवकूफ बनाकर कार्ड अदला बदली करना, बाद में अन्य एटीएम में जाकर पैसे निकाल लेना स्वीकार किया है, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है, मौके से गिरफ्तार भी किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त अजय राठौड़ ने पूर्व में भी इस तरह की वारदातें करना स्वीकार किया है। कार्रवाई करने वाली टीम में उदयपुर के सवीना थानाधिकारी रविंदर चारण, फतेह सिंह सहायक उप निरीक्षक, सुनील विष्णु हेड कांस्टेबल, जितेंद्र दीक्षित व लालू राम कांस्टेबल का सराहनीय सहयोग रहा।